नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार इस वक्त मौजूद हूँ पटना के पीएमसीएच के प्लैटिनम जुबली ऑडिटोरियम में। यहाँ पर यू ब्लड बैंक समूह के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो आइए मिलते हैं इस यू ब्लड बैंक के संस्थापिका शिखा मेहता से। तो मैम, ये जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, आप इसके बारे में बताएंगे? ये जो आयोजन है वो 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पे किया गया है पीएमसीएच ऑडिटोरियम में। यहाँ पे पीएमसीएच के मेडिको हैं जो रक्तदान कर रहे हैं और इस दिन को खास बना रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बाहर के भी बहुत ऐसे रक्तवीर हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते आए हैं, वो भी आज रक्तदान कर रहे हैं इस मुहिम को सफल बनाने में। जी, तो मैम आप ये जो आयोजन है ये कब से कर रही हैं? ये आयोजन हम 2016 से कर रहे हैं, 2016 से अभी तक का ये 75 रक्तदान शिविर है, और ऐसे प्रतिदिन तो हेल्प होती है, बट ये जो आयोजन है कैंप का, जो कैंप में इकट्ठे करते हैं हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो 2016 से करते हैं। तो आज जो कैंप का जो आयोजन किया गया, इसमें कितने यूनिट का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है? हम लोगों ने यहाँ पे लक्ष्य हर वैसे तो शिकली हम लोग जो कैंप करते हैं उसमें 50+ का रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिको के साथ है, तो उम्मीद है कि जो भी बैच के मेडिको के स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे आज रक्तदान करेंगे और 100+ रक्तदान होगा। अभी हमारे साथ एक भाई हैं जो अभी इस बार पहली बार ब्लड डोनेशन किए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले भाई, आपका नाम क्या हुआ? सनी कुमार। आपने ये पहली बार ब्लड डोनेशन किया? जी, पहली बार किया। जी, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या विचार आया, क्यों ऐसा लगा कि हमको डोनेशन करना चाहिए? ये ब्लड बहुत कीमती है इंसान का, अक्सर आए दिन हम देखते हैं सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है, खून के वजह से बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता था, तो हम बहुत पहले सोच रहे थे डोनेट करने का, तो फिर शिखा मेहता जी के फेसबुक से देखे तो आज मौका मिला, तो आज आ गए और ब्लड डोनेट कर दिए। अच्छा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट करके। अच्छा, डोनेट करने के बाद आपको अभी मतलब किसी तरह का कोई वीकनेस वगैरह? कुछ नहीं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निरुपम है। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः देवघर झारखंड से हूँ। आप आज ब्लड डोनेशन करने हैं, ब्लड डोनेशन हो गई आपकी? जी, हो गया है। तो डोनेशन करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, डोनेशन के बाद बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों के बीच में काफ़ी अफवाह फैली हुई रहती है कि ब्लड डोनेशन के बाद चक्कर आते हैं या फिर कमज़ोरी हो जाती है शरीर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं काफ़ी आभार प्रकट करना चाहूँगा पीएमसीएच का, जो विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है, काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की है और काफ़ी ध्यान रखा है कि किसी को भी किसी तरह का कष्ट ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन किए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। अंदर से कोई कमज़ोरी नहीं है और ख़ुद में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने कुछ पुण्य का काम किया है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, किसी एक आदमी के रक्तदान से 3 लोगों की जान बच सकती है, जो हर एक रक्त से आपके प्लाज्मा को अलग किया जाता है। तो मैं सभी लोगों से ये भी अपील करूंगा कि सब लोग आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और रक्तदान करें, सिर्फ विश्व वर्ल्ड डोनर्स डे पर नहीं, बल्कि आम तौर पर भी हर 90 दिन पर आके खुद ब्लड डोनेशन करें। तो बोलो जिंदगी, अब आप लोग से भी गुराइज करता है कि जो लोग सक्षम हैं ब्लड डोनेशन करें, कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और इससे कोई कमजोरी वगैरह नहीं आती है। यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है इसमें जिन लोगों का योगदान है उनसे भी मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ। मैं जनता दल यू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और औषधि जन सेवा संघ के संयोजक भी हूँ, राष्ट्रीय संयोजक। और मैं यू ब्लड में बैंक में कभी भी इस तरह का रक्त का जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, मैं वर्षों से शिखा मैडम के कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ और हर तरह से इनका मानसिक हर तरह से सपोर्ट करने का काम करता हूँ, क्योंकि ये वर्षों से एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए रक्त के क्षेत्र में, तो अच्छा लगता है, तो इनके कार्यक्रम में ही बुलाते हैं। हम हमेशा इनको हर तरह से सहयोग करने का काम करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मुन्ना कुमार गुप्ता। और औषधि जन सेवा संघ एक हमारी संस्था है जो हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करते हैं, और हमारी यू ब्लड बैंक
उसमें मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। रक्त के क्षेत्र में जितने भी हमारे समाज के लोग पीड़ित लोग आते हैं इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इनके कार्यों से हम लोग प्रभावित होकर इनका जितने भी कार्यक्रम होते हैं इनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सम्मिलित होते हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि इन युवाओं को जो है मनोबल को सदैव ऊँचा बनाए रखें।